स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अज है गिल कुराड़ की ओर राम राम। आज आपकी मुलाकात होगी, लोग न्यू रुक के मारे करते कि हरियाणवी बोली में शायरी की बहुत घनी कमी है, लेकिन भाई ने वह कमी दूर करी है। तो बड़े भाई बदनाम सारे बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी दूर तक आप आए इंटरव्यू लेने। हाँ भाई, इस लायक समझा वह बात नहीं है कि आप पहले ही बात हकीकत में यह बात है कि कोई बालक या फिर कोई इतनी दूर था कि बस उसके जो परिचय ले है घनी बड़ी बात हो जाए है। बिल्कुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप इतनी दूर तक भिवानी शहर में आए हो एक बस परिचय खातर। हाँ भाई, इस लायक समझा आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल हाँ, रही बात कि बड़ी मतलब इतनी हरियाणा में शायरी भाई लिख लिया। हाँ, किसी ने मतलब पब्लिक हर किसी ने पसंद करे, हर डाल की पब्लिक है। हाँ भाई, आपा लिखा हाँ उसने पसंद करी ही, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों का। लेकिन आपा वो जो ये खुद कहा करें कि कुछ कमेंट भी आवा है मेरे कन कि कितना के कुछ बड़ा होगा कुछ न्यू होगा, कोई कुछ नहीं भाई। मैं एक नॉर्मली शायरी करा करूँ, उसके साथ साथ मैं और बिजनेस भी करा करूँ। हाँ, जैसे कि एक होटल है भिवानी में अपना मॉब मिनिस्ट्री ऑफ बार। इब कई कहे कि कमेंट का जवाब ना देता, रिप्लाई ना करता या कुछ और ना करता, तो वह बात है कि इंस्टाग्राम मैं एक उस टाइम पर चलाया करूँ जब मैं फ्री हूँ। हाँ, ना तो इंस्टाग्राम मेरा घर चलाता। हाँ भाई, मेरा घर मन चलाना पड़ा है। बिल्कुल, जितनी कोशिश हो है उतना मैं रिप्लाई भी करूँ हूँ। कोई वह बड़ी बात खुद एक न्यू सोचो की एटीट्यूड। हाँ भाई, अगर सोचे तो सोच लो, लेकिन अपने मन में उस तरह कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अपने जितना टाइम हो जितनी कोशिश हो उसका फुल करा करा भाई। बिल्कुल भाई, तो भाई बातचीत अपनी चलती रही भाई। सबसे पहला दो चार लाइन किसी भी शायरी की हो जाए भाई। किले पहना जे कोरा कागज खोलिया है, बनाइए ना मजाक में नहीं मेरा भीतर ला बोलिया है। जमींदारा का बालक खेती ते खानिया करके प्यार बालका की जू रोया था, ना सुनी थी धड़कन आख्या में पानी जद बैरन का रिश्ता होया था। बोली मेरा हाथ दे दिया सरकारी नौकर ते मजबूर हूँ मर्जी मेरी को ना, फूक दे मेरी छाती चाहे दे ले गाल ओ बदनाम मैं तेरी को ना। रचा के कोई सांग हरेगा हरण तू हरण ना दिए, क्यों कर देखेगा रे जानदी ने कया करदा शराबी हूँ दो फालतू पी लिए पर उतरन ना दिए। रे मखा जा विवाद दे कसम किसे और ना बाट दे, मैं मर गया तेरे ना का चाहे चिता में आट दे, पर बात सुन कित सौ का दो बोतल दारू की आख मेरा काल जा डांट दे। मन्ना तो बावली जान काट के दई थी भगवान तन के लेख दिया, फुकन ने तेरा टेंट फूक देंदा बाबू ना टेक उस ते पहला यार ने गोडा टेक दिया। बहुत बढ़िया, तो भाई आज का टाइम पर आप किसी भी परिचय मुताज नहीं हो भाई, तो दर्शक जानना चाह रहे हैं भाई आपका गांव ग्वांट जिला तहसील के बारे में भाई। ये फिलहाल गांव तो शीशवाड़ा गांव दादरी जिला हरियाणा में, वैसे जन्म मेरा राजस्थान का है। राजस्थान में कठौड़ा भाई, राजस्थान में लंबोर राजगढ़ के पास गाँव है, उसके बाद पूरा शीशवाड़ा गांव में, जन्म मेरा राजस्थान का। बिल्कुल भाई, तो बड़े भाई बात इसी है, पब्लिक रुक के मारा है कि बदनाम सारे का नाम बदनाम जानता पड़ा है कि उसने छोरी बदनाम कह के छोड़ का गई थी। बढ़िया मजाक था। हाँ हाँ, देखो पब्लिक रुक के मारा है कुछ भी किस हिसाब तक तो ये चल रहा है। हाँ, मैं ज्यादा उस चीज पर कौन करूँ, लेकिन मैं एक सफाई खुद किया देना चाहूंगा कि जरूरी ना होता कि कोई छोरी दिल तोड़े। यारी दोस्ती हो है, परिवार हो है, समाज हो है, आदमी की जड़ बेरा नहीं कितना कट रही हो, कितना क्यों कर मुरझा रहा हो। हाँ, एक पब्लिक फेम मिला है कि छोरी छोड़ गई नाम बदनाम, ये मैं मेरा काम करूँ, एक अपना काम तो लगा ले। हाँ, तू कोई काम कर रहे है। हाँ, उसका नाम तू खुद सोचे है। हाँ, वो अगर वो काम चाल जा है। हाँ, तो ये चार आदमी न्यू भी कहेंगे कि यू नाम इसने न्यू धरिया था। हाँ भाई, वो नाम बदनाम जब चार आदमी जाने थे जब भी तो नाम बदनाम था। हाँ भाई, उस टाइम तो बदनाम मजाक था एक। हाँ, बदनाम नाम, हालांकि मजाक तो ये भी बन जाए है। पर नाम खुद का है, कोई एक यार दोस्त बस कईयां की पसंद मान लो बस। हाँ भाई, यारी दोस्ती में। तो भाई दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका असली नाम। मेरा नाम है अतुल सांगवान। हाँ भाई, अतुल सांगवान शुभ नाम है अपना। बिल्कुल, तो भाई आपने शायरी की शुरुआत किस तरह करी भाई? शायरी की शुरुआत कि जिस तरह की यार दोस्त बैठा है अपा। हाँ, शुरुआत में इशार की बात है। हाँ, कि आपा जवाब दे दिया करता कोई तुकबंदी में, मतलब शायरी को नहीं होती उस तरह एक शायर नाम लगा दे ही पीछे। हाँ,
लेकिन शायर बहुत बड़ी चीज हो है। हालांकि मन्ने भी गलती कर रखी है बदनाम के पीछे शायर लगा की। शायर एक ऐसी चीज को जो कल्पना बहुत बड़ी गहरी कल्पना कर सके है। शायर न्यू ही नहीं होता कि हर जना जना शायर लगा हुआ। शायर बहुत बड़ी चीज हो है। हाँ भाई। तो तुकबंदी, हालांकि मैं एक शायर को नहीं, मैं तो वैसे एक तुकबंदी सी करके दो चार बात जो लोग अनबढ़िया लाग जा है तो वह बात कर दिया करा। तो तुकबंदी करा करता तो कोई यार दोस्त ने कोई चीज बढ़िया लाग जा तो वो चीज नोट लगा के देख। अगर रिस्पॉन्स बढ़िया आवे तो वह यार दोस्त न्यू का फिर यो काम कर, फिर वह वीडियो बनावे, फिर वह वीडियो अपलोड करें। न्यू शायरी गणा सा शौक कोनी, पछे थोड़ा बहुत पब्लिक फेम मिले, पछे खुद का भी न्यू इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। हाँ क्यों ना का दी और थोड़ा दिल तक लिख के देखा। बिल्कुल भाई। तो भाई दर्शक जानना चाह रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। भाई अपनी 12th कर रखी है मैंने फिलहाल तक तो। हाँ भाई। उम्र 20 साल अपनी। हाँ। और साइड में थोड़ा बहुत बिजनेस भी कर लिया करा। हाँ भाई। एक होटल वगैरह अपना भिवानी, मोब मिनिस्ट्री ऑफ बार भिवानी होटल है अपना। ठीक है बात भाई। तो भाई आपने शायरी लिखने खातर किस तरह का माहौल चाहिए? माहौल? हाँ। माहौल वह मेरे जो एक दो यार दोस्त जो पुराने हैं। हाँ। वह बैठे हो। हाँ। और वो को किस्सा सुनाते हो। बिल्कुल भाई। जब ऐसा माहौल तो भाई देख सुन आवेगी भाई, जितने भी शायर हैं भाई मैं नशा पते करके शायरी कर रहे हैं भाई, आप इस बारे में क्या कहोगे? देखो सबका तो मन पता नहीं। हाँ भाई। पर मेरी एक थीम है दिमाग में कि सब कुछ मन न करना है मेरी लाइफ में। अगर कुछ गलत करूं हूं तो भी मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। खत्म होगी मेरी जिंदगी, खत्म होगी। हाँ। तो इसमें भाई ये टिप्पणी तो करते हैं कि पता नहीं के क्या करे है। हाँ। पर न्यू नहीं देखा है कि कितने उठ कर के करके आया है यो। हाँ। आदमी पहला चार मतलब वह बात जो कि कमाई के गैल गैल चोचले दिखन लग गए। हाँ। न्यू ना दिखा कि जब 20 साल की उम्र थी पाया नीचे गाड़ी घुन सिर पकड़ जो भी थो। हाँ भाई। तो वह बात है भाई कमावा। हाँ। तो भाई जिंदगी खुद की भी जीवा। हाँ। इसी बात नहीं है सब कुछ। तो भाई इस पर आपके घर क्या के रिएक्शन है भाई जिस तरह आप शायरी करो? घर क्या का? हाँ। भाई घर का रिएक्शन तो यो है कि जब मैं अपने रोहतक शिफ्ट होया था 2018-19 में तो मेरे बापू ने एक बात की थी, यो घर है। हाँ। अरे यार इतना तेरा किला हूँ। हाँ। इतनो कर दियो है। हाँ। कमा लियो और खा लियो। हाँ। बाकी और कुछ नहीं। बिल्कुल। मरोगा तो ता मरोगा, ऊपर उठोगा तो तारी मर्जी है, बढ़िया बात है। कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस घर का ही तरफ तो एक कामयाब इंसान या एक मेरा तो सपना है एक सक्सेस बिजनेसमैन बनना, अपनी नौकरी की भी कोई ख्वाहिश को नहीं। हाँ भाई। हाँ तो घर का रिएक्शन यो है कि तू कुछ करिए जरूर, कुछ कर ले। बिल्कुल। हाँ। तो भाई थोड़े दिन पहला आपकी आईडी बंद हो गई थी भाई, फिर वो वापिस भी आएगी भाई, वो किस तरह बंद हुई फिर वापिस किस तरह आई भाई? भाई वो कुछ फोटो वगैरह शेयर कर दी थी किसी यार दोस्त ने। हाँ। तो वो भाई एक सिंटा भाई है। हाँ। उस भाई ने वो आईडी खोल के दी थी उसका। हाँ। भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई। बड़ा मजा किया बालक है। हाँ भाई। दो उत्काटड़े नाम तो पेज है उस भाई का। हाँ। तो भाई बात इस है जिस तरह की सारा हरियाणा आपने सपोर्ट कर रहा था भाई, आपने किस किस तक कहा था कि भी मैंने सपोर्ट करो या अपनी मर्जी से सपोर्ट कर रहे थे भाई आपने? भाई मर्जी तो बहुत सारे बालक ऊपर उठ के आए थे मर्जी से सपोर्ट करने। हाँ भाई। बस बच्ची खटखटने तो बस कहना है कि। हाँ भाई। खुद ने वीडियो बना के मतलब पता नहीं कि कुछ मैं फिर मैं मेरी बात बढ़िया लगी या फिर उनका दिल ऐसा हो गया कि सपोर्ट उन्होंने अपना आप कर दी थी। बिल्कुल। तो भाई आपकी शायरी में एक मित्ता नाम सुनने मिला भाई। हाँ। वो मित्ता कौन है भाई? वो मित्ता भाई मेरा एक पड़ोस का पड़ोस के बस चार डंग पगर है हमारा। हाँ आपस में मतलब कोई कोई यार लंगोटिया नहीं हो जाए कि रात ना 2 बजे भी इकट्ठे चले जाओ। बिल्कुल भाई। तो वो यार है अपना वो मित्ता। हाँ। दिल का लागदा है। बिल्कुल कि यार मित्ते मेरी एक बात लिख दे उसके हाथा में मेरा हाथ लिख दे। यार मित्ते मेरी एक बात लिख दे उसके हाथा में मेरा हाथ लिख दे, वह भूल ना सके वह मुलाकात लिख दे, क्यों कर कटन लाग रही ये रात लिख दे, यार मित्ते मेरी एक बात लिख दे। बिल्कुल भाई। तो भाई जिस तरह आज आप थोड़े दिन पहला की अब बात करा भाई तो लोग के हैं भाई स्टेटस पे गाने लाए करते भाई, और आज का टाइम पे भाई जुगर ले आप बर के भाई यही शायरी चल रही है पूरी ट्रेंडिंग पे, कहीं ना कहीं भाई कलाकारा ने इस चीज का नुकसान भी हो रहा है भाई, आप इस बारे में क्या कहोगे भाई? देखो यो तो आपका वड़कपन है कि जो शायरी आप बताओगे ट्रेंडिंग में चल रही है भाई,
बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात कटन की, कुण कटे है कुण के कह है, तो वह बात है अच्छाई आओगी तो बुराई भी आओगी। बिल्कुल ठीक से। मैं इतना टाइम है कौन की कटन वाला देखा, प्यार करने वाला इतना हो गया। हाँ कटन वाला कितना वह बात हुआ कि भाई टेम हो एक टेम। तो देख भाई बदनाम भाई किसान आंदोलन चल रहा है पूरे जोरों शोरों से, भाई आपकी क्या राय है भाई किसान आंदोलन के प्रति? भाई सरकार ने माननी चाहिए यार, ये आदमी जिस आदमी का घर न संजीर सुबह की रोटियां को बंदोबस्त को नहीं, वो उड़ा जा की एक गुहार लगाओ है हक्की हक्की लगाओ है तो उसके प्रति थोड़ा बहुत जो कुर्सी पे बैठे ही भाई ये मुस्कुरा की डेट पे डेट दे दी अगली तारीख दे दी ही थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। किसान ना ही सुने कौन है मेरे भाई, दो वक्त की रोटी छोड़ गए जमींदार, कितने टोल पला जात कितने टिकरी बॉर्डर पे लड़ाई आपकी हक्की लड़न लग रहा है, किसे का पा तोड़ दिया किसे का सिर फोड़ दिया, रमोदी साहब तू के करण लग रहा है, बनी थी अमीरा की दिवाली जिम्मेदार कर दी किसान की पराली, और लोग न्यू कह प्रदूषण बढ़न लग रहा है, र किसे का सिर फोड़ दिया किसे का पा तोड़ दिया, रमोदी साहब तू के करण लग रहा है तू के करण लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो भाई कोई भी फेवरेट शायर मेरा? हाँ भाई मेरा फेवरेट शायर तहफीज हफी जो एक उर्दू में लिखा करे, बड़ा मस्त लगा करे मनो। बिल्कुल भाई। तो भाई मैं एक आर्टिस्ट का नाम बोलूंगा, आपने उनके बारे में दो चार लाइन बतानी है भाई जी, महाकाल 0005 भाई मस्त आदमी है भाई। हाँ भाई उन मस्त एक हंसी मजाक इतना रहे उनका, अपना आप में मस्त, ना किसी का माड़ा सोचते ना किसी का दब दे। हाँ। सही मस्त बालक अपना आप में भी। हाँ। मन मौजी का अगर वह। हाँ भाई बिल्कुल। भाई बच्ची खटकड़। बच्ची खटकड़ प्यारा बालक है कहते। हाँ। वो भी भाई उस गला भाई गला मुलाकात कद हुई थी आपकी? उससे मुलाकात हुई थी पिछले साल भाई, शिमला गए थे हम पहली मुलाकात में। हाँ भाई तकरीबन पिछले सातवें महीने पिछले साल सातवें आठवें में शायद। हाँ तब हुई थी। तो भाई आपने बच्ची खटखट भाई की मेन खूबी के लगी जो हर एक इंसान में होनी चाहिए उसकी? हाँ। उसकी उसकी मेन खूबी है कि कोई टेंशन हो जा। हाँ। मतलब कोई दिक्कत हो जा। हाँ भाई। तो आदमी एकदम नर्वस ना होगा। हाँ। बस वो एक बात कह के टाल दिया अगर कोई चक्कर नहीं। हाँ। देख ले। हाँ। तो वह खुश होकर सोचे कि से टेंशन या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा प्यारा और जल्दी मिलेगा। हाँ नर्वस होकर दिमाग खराब हुआ बसड़ाली बात। हाँ। तो उसकी एक के बात बड़ी प्यारी लगे अगर। हाँ। कोई चक्कर नहीं। हाँ। देखांगे। बिल्कुल भाई। हाँ। भाई कोई भी फेवरेट सिंगर? भाई मूड मूड की बात हुआ अगर। हाँ। सारी डाल के सुन लिया अगर, लेकिन एक मान साहब है वो तो बहुत बढ़िया लग गया अगर मन उसकी, लेकिन वह मूड की बात है। हाँ। जो टाइम पे के चल रहा है के बढ़िया लग। बिल्कुल भाई मन मानना पड़ोस में बाजदा वो बढ़िया लग जा। तो वह मूड है मूड वाला आदमी मन मौजी। हाँ मौज में रहा बस। देख भाई वैसे तो भाई साहब आप राजस्थान के हो भाई, आपने राजस्थान की पब्लिक में और हरियाणा की पब्लिक में भाई के अंतर लग गया? राजस्थान की पब्लिक में और हरियाणा की पब्लिक में? हाँ भाई अंतर तो कुछ नहीं, मेरे दोस्त हैं तकरीबन बहुत से राजस्थान के हैं। हाँ भाई। इतने हरियाणा के हैं। हाँ भाई। बराबर सराबर से पढ़ते हैं। हाँ। कुल मिला के। हाँ। उनमें एक राजस्थान के आदमी में एक भोलापन ज्यादा हो। हाँ। भोला आदमी हो। हाँ भाई। थोड़ा सा। हाँ। अरे इतना भोला भी को नहीं हो कि खुद का नुकसान करवा जा। हाँ। हरियाणा वाला आदमी थोड़ा सा हवा बात है कि चढ़ा के कुछ करवा लियो। हाँ, या बात हुआ करे। हाँ, बाकी सेम लगभग सी कुल मिलाकर सब एक सासा आयो है, रोटी पानी पहनावा सब कुछ कुल मिलाकर बराबर न्यू मानो कि एक के है राजस्थान हरियाणा। लेकिन उसकी जो बोली है वह मन बड़ी प्यारी लागे अगर राजस्थान की। हाँ भाई। बस प्यारी तो ये इसकी थोड़ी आकड़ होगी हरियाणा की। हाँ। तो मन दोनों चीज बढ़िया लागे। बिल्कुल भाई। तो बदनाम भाई कोई भी ऐसा किस्सा बता दो भाई जिससे अपने दर्शकों भाई हौसला बच जाए भाई? हौसला देखो पहली बात तो यह है कि कोई किसी ने सुन के किसी का हौसला नहीं। हाँ। ये मेरे तब भी कहा करते अक बदनाम न्यू कर ले न्यू हो जाएगा। हाँ। बदनाम टाइम पर न्यू कर लेगा तो न्यू हो जाएगा। हाँ भाई। मन उस टाइम कराया जब मेरे खुद का ठोकर लग गई। हाँ। हालांकि उस टाइम मन वह आदमी वह लगे अगर दे ज्ञान दे है। हाँ। भाई के क्या कह रहे हो कुछ यह चीज लगे अगर दी, लेकिन आदमी
मानना जब है जब खुद का खुद में बीतता है वह चीज। बिल्कुल, बाकी एक बात है कि एक जगह पैर जमाए रखो। हाँ, कि एक फुल भी मतलब कति कंप्लीट भगवान को ऊपर भी भरोसा, सारा ये भगवान पर डिपेंड हो जाए ना। हाँ भाई, खुद पर भरोसा, भगवान में बस एक आस। हाँ, अगर तम तारी 100% का 90% भी करोगा। हाँ, तो तमने जरूर मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन मेरे कहे तो कोई हौसला वह बात भाई, जब मनाए मैं मेरा खुद का प्रैक्टिकल ये हो रहा है कि मनाए मेरा ठोकर लागी जब बेरा लग गया। हाँ, तो मैं हौसले की बात यह है। हाँ, कि जिंदगी है एक, इसमें आया हो तो इसमें ख्वाब देखो। हाँ, बड़ा बड़ा सपना देखो। हाँ, ये बेकाम आदमी सोच जा है कि मेरा न्यू हो जाएगा, घर कौन चल रहा है, न्यू करना है, इन चीजा छोड़ के तू उस लाइफ ने थोड़ा और। वह बात एक उदाहरण है कि एक पैदल आपने 10 किलोमीटर जाना है। ये मंजिल है 10 किलोमीटर पे। अगर आप शिद्दत तक जाओगा तो 7 किलोमीटर तक पक्का पहुंचोगा, 7-8 अलबत पहुंचनी है, 10 किलोमीटर भी पहुंचेंगे। हाँ, लेकिन सोच बड़ी रखो। हाँ, आदमी सीमित है सोच। हाँ, कि उसने बस एक वह मुकाम मिल जाए वो उड़ा खुश हो जाए। हाँ, सोच बड़ी रखो, छोटी जो चीज है अपना आप हासिल हो। बिल्कुल भाई। तो भाई जिस तरह मैं सुनमा भाई, जिस तरह बहुत से बंदे मेरे पास पूछे भैया भाई कि बदनाम की और बाबा शायर की जो आपस में भाई ट्यूनिंग है नहीं जो तारी भाई, आपस में मैच ओ है भाई, उस भाई गला आपकी किसक बॉन्डिंग है भाई? बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे बाबा शायर जी। हाँ भाई, तो वो एक ऐसा आदमी है कि कुछ भी कर सके। हाँ भाई। हाँ, मन मानना वो 10 दिन कुछ नहीं करे। हाँ, मन मानना वो 1 दिन में बेरा नहीं किए करते। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया है। हाँ, बढ़िया लिखा है भाई और बढ़िया गाओ भी है। तो सब सही है भाई, बढ़िया लिखा है, बढ़िया गाओ है, बढ़िया दोस्ती है हमारी। बिल्कुल, ये बहुत से यार दोस्त हैं, जिस तरह बिल्ला मोर हो गया एक। हाँ, यो भी भाई अपना बढ़िया, इस भाई ने बढ़िया साथ दिया था जब आईडी बंद हुई थी। हाँ भाई। अच्छा, सत्ता और ये जो भी टोटली जो इनका ग्रुप भाइयों का। हाँ भाई। सारे भाइयों ने बढ़िया साथ दिया था। तो भाई देखा पा देखा भाई, बहुत सारे शायर हैं जो इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं कतोड़ी भाई, मैं बाद में गाने लेके जा करूं भाई। आपकी आवाज में दर्शक ना गाना कद लग सुनने मिलेगा भाई? एक बार मैंने पहले भी कहा था कि मतलब गाना करांगे, बहुत जल्दी करांगे। हाँ भाई, अलबत्त एक दो कर भी रखे हैं। हाँ, लेकिन एक तो गाना करना। हाँ, मतलब एक तो एक ऐसा काम है करना, अरे एक ऐसा काम करे कि स्वाद आवे। हाँ भाई, तो वह थोड़ी बेस्ट चीज ले गाने लग रहे हैं। कोशिश जारी है, शुरुआती दौर है। हाँ, बहुत जल्द मिलेगा आपने, इस साल में 2-3 गाने जरूर मिलेंगे आपने। बिल्कुल भाई। भाई अगर कोई नया बंदा भाई शायर बनना चाहे तो आप उसे क्या संदेश दोगे? शायर? हाँ भाई, शायर बनना पहली बात तो एक शायर हो है, वो दिल लगी हो है अगर। वह दिल लगी या नहीं कि प्यार ना, एक किसी चीज के प्रति दिल लगी हो है। हाँ, बनना शायर, एकदम शायर नहीं बना जाता। वो है बात मैं पहले बोल चुका कि शायर तो हमें भी कोना भाई। हाँ भाई, शायर की कल्पना बहुत बड़ी हो अगर। एक वह बात है कि मारे 2-4 बात इसी है कि जो लोग बढ़िया लाग जहाँ है। शायर तो बहुत बड़ा वो नाम है ओदा भाई, जो बहुत मुश्किल के बड़ी गहरी कल्पना लिखा अगर। हाँ, शायर सीधा वो एक दिल लगी हो अगर। लेकिन आदमी वो काम करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट हो। जरूरी नहीं कुछ और करता हो उसकी जगह वो शायर लिखने लग जाना। जो चीज़ वो बेस्ट करे है वह चीज़ करनी चाहिए उसने। बिल्कुल भाई। तो बदनाम शायर भाई, आपने कीमती टाइम काटे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। ना भाई, आए मेरे खातर बहुत बड़ी बात से यार, था इतनी दूर था आए और उरा के विनु को कीमती टाइम काटा। अरे भाई बिल्कुल, मोस्ट वेलकम यार, ऐसी कोई वह बात को नहीं। कीमती टाइम भाई हो, 2 रोटी मैं खाऊं, 2 रोटी थम खाओ, सब बराबर है। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ।